हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 3 दिनों तक गोरखनाथ मंदिर में माँ जगदम्बा की आराधना करने के पश्चात सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना। सिकरीगंज थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद हुई बालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी ने कहा फिरौती के लिए हुई थी बालक की हत्या, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद में विकास कार्यों की प्रगति, स्वास्थ्य शिक्षा सड़क सहित अन्य जन कल्याणकारी योजना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रशासनिक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने किया बैठक, शिक्षा के स्तर को सुधारने के दिए निर्देश। सहजनवा थाना क्षेत्र के गीड़ा में स्थित प्लास्टिक कैरी बैग की फैक्ट्री पर एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन, रॉ मटेरियल और उपकरण बरामद। पर एएसपी ने कहा प्रतिबंध के बावजूद बंद रहा था पॉलिथीन। दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क, एसएसपी ने कहा शांति और सौहार्द के साथ मनाएं त्यौहार, खलल डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। महापौर की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। विभिन्न मांगों को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने निकाला मशाल जुलूस, आंदोलन की दी चेतावनी। पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति का 2 दिवसीय धरना हुआ समाप्त, उप नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। वेतन वृद्धि सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न, संगठन विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण प्रभावती देवी और गीता पांडे को संगठन से 2 वर्ष के लिए किया गया निष्कासित। छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लेट कर किया प्रदर्शन, चुनाव तिथि घोषित करने की किया मांग। स्वरोजगार के पिछड़ी जाति के युवक युवतियों प्रशिक्षण के लिए 20 अक्टूबर तक जमा करें फॉर्म, 15 को केंद्र पर लगेगा शिविर, उपायुक्त उद्योग ने दी जानकारी। खराब सड़कों सहित महानगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर अध्यक्ष यूथ कांग्रेस ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। बकाया मानदेय को लेकर उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों का 3रे दिन भी धरना जारी, अब आमरण अनशन की तैयारी। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ को लेकर जन अधिकार पार्टी ने बैठक कर किया प्रदर्शन। नवरात्रि के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर में 3रे दिन हुआ मां चंद्रघंटा का विधि विधान के साथ पूजन। 98 लक्ष्य वरिष्ठ उत्तर प्रदेश स्टेट बास्केटबॉल महिला और पुरुष चैंपियनशिप में लखनऊ और गोरखपुर एनईआर की महिलाओं ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।